Assalamualaikum, Namaste and Sat Sri Akal. तो कैसे हैं आप? Welcome back to my channel. और आज हम लोग reaction देने वाले हैं Guess what? Baby girl by Guru Randhawa. Wow. मतलब बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग होने वाला है बेबी गर्ल. बेबी गर्ल से ही समझ जाएं कि सॉन्ग कैसा होने वाला है. सो मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस सॉन्ग को सुनने के लिए. सो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं इस सॉन्ग की तरफ और रिएक्शन देते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बेबी गर्ल अच्छा ये सॉन्ग मैं पहली बार सुन रही हूँ तो पता नहीं ये कैसा होने वाला है. स्टार्ट मुझे ही पता चलेगा कि कैसा है यार. ये लड़की बहुत ज्यादा हिट होगी. होके नहीं तैयार कितने चली कर तो बाहर तेनू की दा इंतजार बेबी गर्ल. बेबी गर्ल होके नहीं तैयार कितने चली कर तो बाहर तेनू की दा इंतजार बेबी गर्ल. बेबी गर्ल होके भी तैयार चली शॉपिंग नो हायर टेबल चुक ले बाहर सनम योर गर्ल. बेबी गर्ल बेबी गर्ल बेबी बहुत ही क्यूट लड़की है. बहुत ही ज्यादा धवानी नाम है उसका. हाँ धवानी नाम है. बहुत ही क्यूट है. और अगर बात करें इनकी केमिस्ट्री की तो गुरु और धवानी जो है गुरु रंधावा सो इन लोगों की केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त है. दोनों ही बहुत ही क्यूट लग रहे हैं एक दूसरे के साथ और दोनों की ड्रेसिंग बहुत ही जबरदस्त है आउट क्लास.
और जब वो करती है ना बेबी गर्ल, तो वो वाला रिएक्शन जो है ना उसका बहुत ही ज़बरदस्त होता है और बहुत ही प्यारी लगती है, क्यूटी सी वाकई में बेबी गर्ल लग रही है। सो अगर बात कर रहे हैं आवाज़ की, तो गुरु रंधावा शायद ये उन्होंने सॉन्ग गाया है, तो ये गाना जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, आवाज़ बहुत ही ज़बरदस्त है, बाकी लिरिक्स भी अच्छे हैं। मतलब वो लड़की को मनाने की कोशिश कर रहा है कि वो पट जाए और फिर उसके लिए रिश्ता, मतलब मम्मी को भी मना लूँगा और ये वो, और लड़की लाइक काफ़ी अच्छा एटीट्यूड भी था लड़की का और लड़के का भी काफ़ी अच्छा एटीट्यूड था, जैसा कि नॉर्मली हमें देखने को मिलता है। सो ओवरऑल वीडियो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मज़े का सॉन्ग्स था, मतलब लिरिक्स तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। और अगर बैकग्राउंड की बात करें ना, तो बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे कि पीछे से डिज़र्ट में भी इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर शूट्स किए हैं। सो मुझे इसका बैकग्राउंड भी बहुत ही ज़बरदस्त लगा, और बाकी मतलब वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा जब वो मार्केट के बीच में वो शूट करते हैं ना, तो वो वाला बहुत अच्छा लगा, स्टार्टिंग वाला। सो क्योंकि शॉपिंग वाली इस तरह की पब्लिक प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पर इस तरह के सीन जो है ना मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बाकी सी साइड पे भी अच्छे लगते हैं और डिजर्ट साइड पे भी अच्छे लगते हैं, तो वैसे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अगर बात कर लें कि सॉन्ग रोमांटिक था कि नहीं था, तो सॉन्ग जो था ना मुझे लग रहा था कि ये मतलब रोमांटिक टाइप लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये सॉन्ग। आपको कैसा लगा बेबी गर्ल, और ये बेबी गर्ल आपको कैसी लगी? और ये वाली बेबी गर्ल है ना, मुझे लगता है इन्होंने मूवी में भी काम कर चुकी हैं, एक मूवी में शायद इनका सॉन्ग भी आया था, वो सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा, काफ़ी ज़्यादा वो फेमस हो गया था, जिसमें मतलब कि ये गाना जो गाती हैं वो कोई इनको सेंड कर रहा होता है, मेरे ख्याल से वो यही सेंड कर रहा होता है। सो उसके बाद फिर लड़की जो है वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है, तो साउंड उसको वो म्यूजिक वॉइस आती नहीं है और वो परफॉर्मेंस कर रही होती है स्टेज पर, तो फिर उसके बाद वो मतलब कि सबसे अपोलोजाइज करती है और अचानक से उसके पास मतलब कि वो लड़का वहीं पर ही अवेलेबल होता है और वो वहां पर मतलब कि गाना शुरू कर देता है। सो इस तरह से वो कंप्लीट हो जाता है सॉन्ग। सो मुझे लग रहा है कि वो दोनों, यही दोनों की केमिस्ट्री है, दोबारा से वो मैं सॉन्ग ज़रूर देखूंगी। सो यस, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी और मुझे ज़रूर इसके बारे में कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मैं हूँ साइमा पीरज़दा फ्रॉम कराची पाकिस्तान, बाय।